आप इस प्रोग्राम को बंद कर सकती हैं? मुझे बहुत टेंशन हो रही है। तुम्हें किस बात की टेंशन? मतलब ये खेत वेंकट जी का हो गया, इसको ये डर है कि वो कहीं आना जाए। अरे who is this वेंकट जी और तुम उनसे इतना डर क्यों रहे हो? क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि आप उसको देखो। क्यों? अरे क्या क्यों क्यों, अरे उनको लड़कियों के ऊपर कपड़े पसंद नहीं है, रात में बिस्तर पे दो लड़कियां चाहिए। वेंकट जी के बारे में इतना झूठ क्यों बोल रहा है मोटू? अगर कोई लड़की पसंद आ गई तो चाहे वो कुंवारी हो या शादीशुदा, बिस्तर पे ले जाता है। Oh my God, really? अरे मुझे कुछ सुनाई दे रहा है और मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पर? हाँ, विधायक जी की बेटी है, वीडियो शूट करना चाहती है, मैं तो मदद कर रहा हूँ, गलत है क्या? तो तुम पशुपति की बेटी हो? मैं तो तुम्हें तब से जानता हूँ जब तुम बच्चों के कपड़े पहनती थी। मैडम तो बड़ी हो गई है लेकिन लगता है उनकी निक्कर का साइज वही है। हाँ मैं भैंस का ब्रोकर बाप जी। हाँ यहाँ पर तो वेंकट जी है। रुक रुक, नमस्ते वेंकट जी। और बाप जी कैसा चल रहा है बिजनेस? आपके आशीर्वाद से अच्छा है, मैंने आपके लिए लक्ष्मी भिजवाई थी। कैसी है वो? अभी लक्ष्मी कौन है? वो लड़कियों का दलाल है, अभी उसका कस्टमर। लक्ष्मी बहुत अच्छी है, बहुत जल्द सुधी हो गई। अब इसका क्या मतलब है? सुधी का मतलब गर्भवती होना, तुम्हारी कोड लैंग्वेज है। वैसे तो सब कुछ ठीक है लेकिन थन को छूने ही नहीं देती। व्हाट इज थन? थन का मतलब जिससे दूर। यू मीन? अरे हमने बहुत कोशिश की, मैंने, नौकरों ने और दो लोगों ने पिछवाड़ा छूने की लेकिन हाथ नहीं लगा देती। चार लोगों ने एक साथ ट्राई किया। देखना ये कैसे खुलम खुला बात कर रहा है। एक और है जो गुजरात में रहती है, लक्ष्मी जैसी नहीं है, बहुत हट्टी कट्टी है। भेज दूं क्या? सच में भेजोगे? सच कह रहा हूँ। ठीक है भेज दो, वो लौट जाएगी। अच्छा ठीक है, लौट जाएगी लेकिन किसके साथ? चलो भाई एक ऑर्डर मिल गया हमें। मैडम अब तो आपने देख ली ना इसकी डीलिंग। अबे किस डीलिंग के बारे में बात कर रहा है? हेलो क्या स्टीयरिंग काम नहीं कर रहा है? तुम जानते नहीं हो। ओके मिलते हैं। क्यों बे, मैं जॉगिंग के लिए गया था, तुमने खुद देखा था ना। मुझे लगता है कार्तिक की तरह ना पूरा गांव खिसका हुआ है। कार्तिक? हाँ। रुकिए आप कहाँ तक पढ़ी हैं? वो मैंने इस साल इंजीनियरिंग पूरी की है। कार्तिक भी यही पढ़ा है। कॉलेज कौन सा? मीठे भाई कॉलेज। कॉलेज भी वही है। आपको हमारी डिटेल्स क्यों चाहिए? हो तो मुझे बस आपसे ये जानना था कि वो निकल यहाँ से। हाँ, चल। तूने कार्तिक से ब्रेकअप करके बहुत अच्छा किया वरना हम इस गाँव में फंसे जाते। ब्रेकअप मतलब क्या कह रही है? प्यार का रिश्ता खत्म करना। कंटिन्यू मतलब गाना मत कंटिन्यू कर। तुम्हारे गर्लफ्रेंड हारिका की बात कर रहा हूँ। हारिका के बारे में आप कैसे जानते हैं मामा जी? अरे तुमने ही तो बताया था, दो पैक पीने के बाद भूल गया। शराब के नशे में आपको कंफ्यूजन हो रहा है, उसने कुछ बोला कि नहीं? फिर से बोलना। मैं खुद शराब के नशे में हूँ, थोड़ा कंफ्यूजन मुझे भी है। अरे बाप रे, ये शराब तो बहुत डेंजर है मामा जी, मुझे तो याद भी नहीं है मैंने नशे में आपको क्या क्या बता दिया होगा। मैं जा रहा हूँ मामा जी। अरे अरे सुन, बाकी सब कुछ ठीक है लेकिन ये टीका ब्रेकअप ये अच्छा नहीं है। अरे अरे मैंने आपको इसके बारे में भी बता दिया मामा जी। नहीं 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 नहीं, नहीं तुमने मुझे सब कुछ बता दिया भांजी। मुझे तो लगा था कि मेरे भांजे का प्यार टाइटैनिक के रेंज में होगा लेकिन तुम्हारी कहानी छोटी नाव जैसी भी नहीं। आप मेरी ब्लॉकबस्टर लव स्टोरी को नाव से कंपेयर कर रहे हैं? पता नहीं मैंने नशे में क्या कहा और आपने क्या सुन लिया। मैं आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ, सुनो। हारिका तीन साल जो मैंने उसके साथ बिताए थे वो हर पल बहुत कमाल का था मामा जी। जब मैं इसे फिर से सुन रहा हूँ तो तुम्हारी लव स्टोरी जादुई लग रही है। तो अब मुझे अपने ब्रेकअप के बारे में बताओ। मामा जी हाँ। जरा यहाँ हाथ रखना, सिर में दर्द हो रहा। कहाँ पे? आपको मेरी कसम दोबारा इस बारे में बात नहीं करोगे? अरे कार्तिक, हमारे एमएलए साहब ने हमें प्रोत्साहित करने के लिए कर्ज दिलवाया है, आज मैंने ये पौधे लगाए हैं, इसकी वजह हमारे एमएलए साहब हैं। अरे पौधा पौधा क्यों कह रही है? पौधा नहीं धान की खेती करनी है। लगता है मैडम जी कल के सदमे से बाहर नहीं आ पाई हैं, इनसे ना हो पाएगा। छे चुप कर,
मेरा ऑडिशन में सिलेक्शन हुआ था, तू मेरा इंसल्ट कर रहा है। भाई के कैरेक्टर के लिए? चुप, मैं ये रोल नहीं करूंगी, मैं तो एक हीरोइन मटेरियल हूँ। अरेंजमेंट तो कमाल का है। ये हम लोगों ने नहीं किया, वेंकट जी ने किया है। अरे बाप रे, वो आ गए। आपको इनसे क्या काम? अगर उन्हें दोबारा मिलाना है तो उनके ब्रेकअप का कारण जानना होगा। कार्तिक ने तो कसम दी है, उसे पूछ नहीं सकता। तो चलो इस लड़की से ही पता कर लेते हैं। आ जाओ। हाँ ठीक है। और मैडम, यहाँ का इंतजाम कैसा लगा? सबको हमारी तरफ से खाना भी मिलेगा। कैसी बात कर रहे हैं आप? हाँ, आपको हम में इतना इंटरेस्ट क्यों है? वो भी बता देता हूँ, पर उसके लिए तुम्हें मेरे साथ सिर्फ 10 मिनट उन झाड़ियों में चलना होगा। मुझे लगता है ये पूरा पागल है। वहाँ हमारी एक शेड है और उसमें एसी भी है। 5 मिनट में कूल, 10 मिनट में मैट्रेस। पसीना भी नहीं आएगा। बिल्कुल नहीं आएगा। मेरी बात सुन, ये लड़कियाँ पटाने में माहिर लगता है। देखिए, मैं नहीं आऊंगी, आपको जो भी कहना है यही बताइए। नहीं, नहीं नहीं नहीं, ऐसी बातें सबके सामने नहीं कहते। इसके लिए प्राइवेट जगह होनी चाहिए, सिर्फ 10 मिनट। हम बस यूं गए और यूं आए। ये आदमी तो काम वासना से भरा हुआ है। अरे तुम बच्ची हो, तुम नहीं समझोगी, ये हम बड़ों की बातें हैं। मुझे बस 5 मिनट की तो बात है, मैं यही इंतजार करता हूँ। यही वो शेड है, 5 मिनट आ जाओ। अरे अरे ये तो पर्सनल मामला है, पब्लिक में डिस्कस नहीं कर सकते ना, ये समझ क्यों नहीं रही? मैं आपकी नई इंग्लिश टीचर हूँ और आप सबकी फ्रेंड भी। आज हमारा क्लास में फर्स्ट डे है, इसलिए सबसे पहले हम एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करेंगे। तो पहले आप अपने बारे में बताइए टीचर। श्योर, तो पूछिए। आपका बॉयफ्रेंड है ना टीचर? टीचर से ऐसा क्वेश्चन कर सकते हैं क्या? आपने ही तो हमें बताया था ना कि आप हमारे दोस्त की तरह हैं। अभी तक मुझे कोई पसंद ही नहीं आया, इसलिए मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। सिट डाउन। टीचर, आप बहुत खूबसूरत हैं, आपको पता है? ये लड़का तो अपने से इम्प्रोवाइज कर रहा है भाई। बस ऐसे ही कह दिया। तो फिर आपने अब तक शादी क्यों नहीं की? तुम जैसे दूर दूर के गांव में रहने वाले छोटे छोटे बच्चों को बहुत अच्छी पढ़ाई करने का मौका मिले, ऐसा ही मैं चाहती थी। अगर मुझे कोई ऐसा मिल गया जो मेरे प्रोफेशन के रिस्पेक्ट करता हो, तो मैं उससे मैरिज कर लूंगी। ओके, एनी मोर क्वेश्चन? मेरा एक क्वेश्चन है टीचर। हाँ? एक संयुक्त परिवार के बारे में आपका क्या ओपिनियन है टीचर? गुड क्वेश्चन। अगर हम एक साथ नहीं रहेंगे तो एक फैमिली कैसे बन सकती है? ब्लड रिलेशन होने के बावजूद अगर हम एक साथ नहीं रह सकते तो हम अच्छे इंसान कैसे कहलाएंगे? सिट डाउन। मेरा चॉकलेट कहाँ है? इसे चॉकलेट देना। लेकिन इसने सवाल पूछा ही नहीं। मैं भी एक क्वेश्चन पूछता हूँ। टीचर, ये लोग कौन है जो क्लासरूम में कछुए की तरह रेंग रहे हैं? ए, क्विज दे। सॉरी भाई। बाहर निकलो। गुड मॉर्निंग टीचर। गुड मॉर्निंग टीचर। गुड नाइट टीचर। सॉरी, बाय। गुड बाय टीचर।